ये मेरा अपना घर नहीं है, ये रेंट पे है, लेकिन फिर भी आपका अपना हो या रेंट पे हो, आपको अच्छे से साफ नीट एंड क्लीन करना चाहिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ गर्मियों में हम जल्दी से जल्दी वेट लूज़ कैसे करें, तो आप ध्यान से सुने, उसके 4 टिप्स है। और हाँ, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है वेट लूज़ करने के लिए, फैट कट करने के लिए। मैं बताती हूँ, जैसे कि नंबर 1 है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हमको बहुत ज़्यादा पसीना आता है सारा दिन, तो आप ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर तो पानी ज़रूर पीना ही पीना है। और नंबर 2 है, सर्दियों में हमको बहुत नींद आती है पर गर्मियों में हम जल्दी उठ जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि जल्दी सो जाएँ और जल्दी उठें ताकि हम अपनी वेट लूज़ जर्नी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। एंड नंबर 3 है, जैसे कि गर्मियों में हम जल्दी बहुत जल्दी उठ जाते हैं और टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करें, उस टाइम को सुबह के टाइम अपनी एक्सरसाइज करें। अगर आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करेंगे तो सारा दिन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, इसलिए सुबह के टाइम आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। एंड नंबर 4 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गर्मी में बहुत सब्जियाँ होती हैं जो कि फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि लौकी, तोरी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये पानी से भरपूर चीज़ें हैं और ये हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो इसको हमको ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए वेट लॉस। तो आगे आप मेरी वीडियो में बने रहें और देखें कि मैं अपना गर्मियों में जल्दी जल्दी वेट लॉस कैसे कर रही हूँ। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि मैं क्या खा रही हूँ एंड क्या पी रही हूँ। मेरी 40 मिनट की एक्सरसाइज डन हो चुकी है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत हल्का हल्का महसूस होता है, काफ़ी कपड़े लूज हो गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो ये पसीना आ रहा है जब भी आता है तो मेरे को और खुशी मिलती है कि हाँ, मेरे बहुत ज़्यादा कैलरी मैंने बर्न कर ली है। तो डेली अपनी डाइट जर्नी में एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करें, इससे आप फिट रहेंगे। बट अगर आप ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही 40 मिनट कर लो, नहीं, आपको स्टार्टिंग में 10 मिनट करनी है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही कर लोगे आधा घंटा 40 मिनट तो आपको बहुत पेन होगा और आप फिर हफ्तों के लिए बैठ जाओगे, तो क्या फ़ायदा, इसलिए थोड़े थोड़े से स्टार्ट करो। अब मैंने अपना टाइम 40 मिनट कर लिया, तो 40 मिनट की मेरी डन हो चुकी है। सुबह सुबह मैंने अपनी सफाई कर ली है रूम की बहुत अच्छे से, मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, ऊपर वाली बेड की जो नीचे है वो नीचे बिछी हुई है वो वाली मैंने चेंज नहीं की। तो ये है मेरे टेडी बियर जिसको मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया है, क्योंकि मैं अगर यहाँ बैठती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि अच्छे से सब कुछ रखा हो अपनी जगह पे। तो मैंने बाहर भी सारी सफाई कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, उसके कारण धूप बहुत ज़्यादा सुबह सुबह हो जाती है। यहाँ पे फ्लावर पॉट था लेकिन वो मुझसे टूट गया है, तो ट्राईपॉट यहीं पे रखा हुआ है। और ये आप देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा अपना होल साफ कर लिया है। ये बाहर की तरफ है, बालकनी है, ये बालकनी है मेरी, यहाँ पर मैं कुछ थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगा रखे हैं, मेरे को अच्छा लगता है घर में पेड़ पौधे हों, हरियाली हो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मनी प्लांट है, मैंने इसको लगवाया था और ये काफ़ी अच्छा हो गया, बड़ा हो गया, अच्छा लगता है ना कुछ प्लांट्स आपने लगवाए हैं और वो बहुत अच्छे से बड़े हो रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बस इन्हें पानी डालना है, बस मैं वो डालने लगी हूँ। साफ़ क्लीन पूरा घर अच्छा हो, ये और ये मेरा अपना घर नहीं है, ये रेंट पे है, लेकिन फिर भी आपका अपना हो या रेंट पे हो, आपको अच्छे से साफ नीट एंड क्लीन करना है। गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा और लाइफस्टाइल में, मैं ठीक हूँ, आई होप क्या आप सब ठीक होंगे। या दिन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा दिन निकला है, और कल रात में बहुत आंधी, बहुत तेज़ बारिश हुई और अभी फिर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। दिन में बारिश हो तो मज़ा आता है लेकिन रात में तो इंसान सो ही जाता है, तो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है और मैंने अपनी 40 मिनट की एक्सरसाइज डन कर चुकी है। और मेरे को अब एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरा वेट डेली डेली जब मैं देखती हूँ कि कुछ कम हुआ होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इंच लॉस हुआ होता तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, उसके रिजल्ट्स मेरे को मिल रहे हैं। तो बस मैं कर चुकी हूँ अपनी एक्सरसाइज, अब मैं पीने लगी अपनी फर्स्ट ड्रिंक मॉर्निंग ड्रिंक। तो आज मैं मॉर्निंग ड्रिंक में ले रही हूँ जीरे का पानी, फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ ये जीरे का पानी। मैंने इसको रात में भिगो के रख दिया और मैंने उबाल के इसको बस अब मैं ठंडा करके पीऊँगी, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं डेली कोई ना कोई ड्रिंक चेंज करके पीती हूँ। आज मैंने जीरे का पानी पीने लगी हूँ, वैसे कभी मैं सौंफ का पानी पीती हूँ या कभी मैं जीरे और सौंफ को मिक्स करके पीती हूँ, कभी मैं धनिया का पानी पी लेती हूँ, मतलब गुनगुना पानी पी लेती हूँ कभी कभी। तो ऐसा होता है ना कि आपका टेस्ट डेली अलग अलग होता रहे तो आपको डाइटिंग में मन लगता है, तो इसलिए मैं डेली चेंज करती रहती हूँ। और खाली पेट अगर हम जीरे का पानी पियेंगे तो काफ़ी फायदे होते हैं कि जैसे हमारे पेट की चर्बी है, पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है और हमारा वेट लूज में तो बहुत मदद करता है आपका। आप देखना, आप एक महीना डेली आप जीरे का पानी पियोगे एम्प्टी स्टमक खाली पेट, तो आप खुद रिजल्ट देखोगे, आपका वेट 101% कम होगा। तो बस मैं अपना ये फर्स्ट ड्रिंक आज जीरे का पानी ले रही हूँ। A few moments later.
जीरे का पानी मैं ले चुकी हूँ, उसके आधे एक घंटे बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ते में मेरा मन कर रहा था कुछ फ्रूट्स खाऊं, तो मैंने ये खरबूजा कट किया है, आप देख सकते हो। ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा था इसलिए मैंने ये फ्रूट्स कट किए हैं। आजकल आपको मालूम है खरबूजा कितना सीजन है, खरबूजा तरबूज ये कितने सस्ते मिल रहे हैं और सीजन में भी है, तो हमको अपने डाइट में सीजनल फ्रूट्स इंक्लूड करने चाहिए। तो ये बहुत सस्ता भी मिल रहा है इसलिए इसको मैं डेली प्रेफर करती हूँ कि मैं खरबूजा भी खाऊं ये तरबूज भी खाऊं, तो मैं लेके आती हूँ। ये काफी अच्छा है और हमारी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है ये, इसको खाना चाहिए। इसमें काफी पानी होता है और इससे आपको कम से कम एक डेढ़ घंटे के लिए तो भूख नहीं लगेगी, लंच में ही आपको जाके भूख लगेगी। तो बस मैं ये खा रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। मैं छत पे जा रही हूँ ये कबूतरों को ये पानी देने, दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या जैसे हमको प्यास के धूप हम नहीं रह सकते पानी के बिना, ऐसे बेचारे कबूतर हैं पंछी हैं वो भी नहीं रह सकते। बस मैं पानी डालती हूँ, कल डाला था और पूरा का पूरा कैसे सूख गया, खाली हो गया यार। धूप भी और कुछ पी भी लेते हैं, कल मैं डाल के गई थी दोपहर में और आज दोपहर है, देख रहे हैं आप। गर्मियों में जितना हो सके सबको ये काम जरूर करना चाहिए, अपनी छत पे एक बड़ा सा बाउल रख दो, उसमें पानी जरूर डालें, खाने का कुछ डालें। यार वो बेचारे हैं, उनको वो तो बोल भी नहीं सकते, बेजुबान है। हम पानी डालेंगे, कुछ खाने का डालेंगे तभी वो खाएंगे। काम जरूर करें, जरूर करें। ये सामने घर के सामने वाली छत है इनके, आप देख सकते हो इन्होंने कितने सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट इनका घर काफ़ी बड़ा है तो ये तो लगा सकते हैं, मेरा तो बिल्कुल छोटू सा है तो उस हिसाब से लगता है ना कितना अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो जी नीचे चलते हैं, बहुत। और तोरी क्या रेट है? 50 रुपए। पर मैं फोर्थ फ्लोर पर रहती हूँ, आज मेरे पास टाइम नहीं था लंच के लिए, कोई भी सब्जी नहीं थी, मैंने कहा सब्जी ले लेती हूँ। ये टमाटर लिए हैं, मेरे को बाहर तो मिल जाते हैं 20 रुपए किलो, ये 25 रुपए दे गए तो मैंने ले लिए। भैया सारी गली गली सब्जियां दे गए हैं, टमाटर भी गले हुए हैं आप देख सकते हो, ये भिंडी किस एंगल से लग रही है, तो बड़ी बड़ी भिंडी दे गए हैं भैया। क्या बोलूँ अब मैं, क्या बोल सकती हूँ। ये सारे ये मेरे को लौकी मैंने लिया था कि चलो रायता डालूंगी, ये सारे घिये भी खराब दे गए, ऊपर से पता नहीं चलता ना इंसान नीचे, मेरे को लगा आलस कर गई मैं नीचे नहीं गई। ये देखो तोरी देखो आप, ये मटर भी ऐसे सारे गले सड़े भैया दे के चले गए हैं, अब क्या कर सकता है बंदा ना। और जो प्राइस वो बताते हैं ना वही बंदा, अब यहाँ से ऊपर से पैसे मैंने लटकाए लेकिन उन्होंने ऐसे कर दिया। चलो कोई नहीं, 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो, और वैसे भी पानी पीना चाहिए, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, गर्मी का मौसम है और इससे स्किन पे जो पिंपल्स है वो भी कम हो जाएंगे और काफ़ी फेस आपका ग्लो करेगा, तो पानी पीना मस्ट है और बैठ के पानी पीना है। ये मैं खड़ी हो गई थी बालकनी में तो पीने लगी हूँ, तो ये गलती हो गई, मैं बैठती हूँ, मैं बैठ के आराम से पानी पीऊँगी। इस लंच का टाइम हो गया है और सब्जी आज मैं बनाने लगी हूँ तोरी की, इसमें मैंने प्याज टमाटर कट कर ली। तो गाइज ये मैंने कट कर ली थी तोरी और प्याज टमाटर, ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है, इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल 1 चम्मच। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज करते हैं तो ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, अगर आप घी यूज करते हैं तो घी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड तेल मत यूज करें, रिफाइंड तेल से मोटापा ही बढ़ता है, तो आप उसकी जगह ये सरसों का तेल यूज करें। अगर किसी के बजट में नहीं होता है ऑलिव ऑयल और घी यूज करना तो सरसों का तेल बहुत बेस्ट है, वो हर कोई यूज कर सकता है, बस आपको छोटी छोटी चीजों से आप अपना वेट लूज कर सकते हैं, रिफाइंड तेल को आप रिप्लेस कर दें सरसों के तेल से। तो मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी सरसों का तेल, बस मैं बिल्कुल ज्यादा डालूंगी, बस मैं आपको दिखाती हूँ कितना डाला मैंने, 1 चम्मच जितना सिर्फ तेल डाला है मैंने, इसमें ही सारी सब्जी बनाऊंगी। अब ये तेल सड़ चुका है, इसमें मैं ये डालूंगी अपना प्याज टमाटर जो मैंने कट करके रखे थे। तो ये मसाला भूनने के लिए रख दिया, उसमें थोड़ा सा ये नमक डाल दूंगी पहले ही कि वो मसाला अच्छे से भून जाए। तो जो मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रही है उनको नहीं पता होगा मैं मसाले ज्यादा यूज नहीं करती, नमक मिर्च और हल्दी डालती हूँ, कभी कभी मन करे तो मैं धनिया पाउडर डाल देती हूँ, बस मसाले के नाम पे मेरी सब्जी में नमक मिर्च और हल्दी होता है। बहुत ज्यादा गर्मी है, दोपहर का टाइम है तो गर्मी, और वैसे भी मई चल रहा है गर्मी तो होगी, और कुछ ये वीडियो में डिस्टर्बेंस ना हो, वीडियो में आवाज ना आए पंखे की, तो मैंने पंखा बंद कर रखा है। अब मसाला मेरा भून चुका है, इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी मिर्च, मैं मिर्च भी ज्यादा नहीं खाती क्योंकि मैं कोई ज्यादा सूट नहीं करती, तो मैं बिल्कुल सारी सब्जी में इतनी सी मिर्च डालूंगी बिल्कुल जरा सी, और थोड़ी सी मैं डालूंगी हल्दी, दैट्स इट। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका था, अब मैं इसमें अपनी तोरी ऐड कर दूंगी। मेरी किचन की विंडो से सब कुछ दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको ओपन करके रखती हूँ और खाना बनाती हूँ। इसमें 1 बूंद जितना मैं पानी डालूंगी क्योंकि तोरी पानी छोड़ती है, और फिर इसको बस अब 2 से 3 विसल डलवानी है और बन गई तोरी। तो गाइस मैंने 1 रोटी का आटा गूंदा है अपने लिए गेहूं का, और ये सब्जी रेडी हो चुकी है, बस इसकी वो सीटी निकल रही है, बस मैं रोटी बनाने लगी हूँ। मैंने ताजा ही आटा गूंदा था, वो भी 1 ही पेड़ा गूंदा था,
ये है घर पे बनाई हुई दही, होममेड दही। इसको मैं घर पे ही बना लेती हूँ, सस्ती और टिकाऊ, सस्ती भी पड़ती है और हेल्दी भी होती है घर पे बनाई दही। लंच की थाली मेरी रेडी हो चुकी है। लंच में आज मैंने बनाई है तोरी की सब्जी, साथ में लिया है मैंने दही, साथ में थोड़ा सैलेड प्याज और खीरा, साथ में लिया है मैंने गेहूं की रोटी। ये गेहूं की रोटी, तो आपको लंच अपना बहुत अच्छे से करना है, फुलफिल करना है ताकि आपका पेट अच्छे से भर सके, क्योंकि एक लंच एक बहुत अच्छे से करना चाहिए अपना। और आप राइस भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, हर चीज पोर्शन में क्वांटिटी कम करें। 3 रोटी खाते हैं तो 1 खाएं, अगर चावल बहुत सारे खाते हैं तो इतना थोड़े से चावल ले लें और खाएं अच्छे से फुलफिल। हर एक चीज खानी है और हो सके तो अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां इंक्लूड करें। जैसे मैंने आज तोरी की सब्जी बनाई और मैं सिर्फ अपनी हरी सब्जियां अलग अलग चेंज करती रहती हूँ, कभी भिंडी बना ली, तोरी बना ली, घिया बना लिया, पेठा बना लिया, मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ। राजमा भी खा सकते हैं, छोले भी खा सकते हैं, जो आपको पसंद है आप खाओ, बस आप पोर्शन कंट्रोल करो। आप इतना खाते हो तो इतना खा लो, बस और कुछ नहीं है, और हेल्दी खाओ, फिट रहो। बस अब मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं खाने लगी और फैन ऑफ है, मैं आराम से फैन ऑन करके आराम से धीरे धीरे चबा कर खाऊंगी अच्छे से। मैं ले रही हूँ अजवाइन का पानी, अजवाइन को बस पानी में बॉईल किया है और छान के इसको पी रही हूँ। मेरा बेनागा, ये मेरा डेली की रूटीन है कि मैंने अपने लंच के 30 या 40 मिनट बाद इसको पीना ही पीना है। इससे जो उनसे आपके पेट की चर्बी होती है, आसपास जो चर्बी होती है वो अच्छे से घुल जाती है, तो इसको मैंने लेना ही लेना है, जो मर्जी हो जाए। और जिसको अजवाइन सूट करे वही ले, जिसको अजवाइन सूट नहीं करती क्योंकि गर्म होती है वो बिल्कुल मत ले, इसको इग्नोर कर दे। तो जिसको सूट करे, 4 बजे है तो इवनिंग का टाइम हो गया, कुछ खाने पीने का मन करता है इस टाइम पे, बट मेरा खाने का मन नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले 2-2.5 घंटे पहले ही खाना खाया है, तो मैं अपने लिए ब्लैक कॉफी बना के आई हूँ। ये ब्लैक कॉफी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इससे जैसे एकदम से अगर आपको वीकनेस लगी है तो इंस्टेंट एनर्जी भी देता है और वेट लॉस के लिए तो बहुत हेल्प करता है। और थोड़े से मैंने पेठे के बीज पम्पकिन सीड्स लिए हैं साथ में। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर जो दूध की चाय पीते हैं वो दूध की चाय पी सकते हैं एक टाइम, उसमें आप गुड़ डाल लो, या अगर आप चीनी भी यूज करते हैं तो चीनी, मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप चीनी मत लो, उसकी जगह आप थोड़ा सा हल्का सा गुड़ डाल लो, मीठा तो उसमें भी है, उसमें भी है, तो आप गुड़ ले लो, गुड़ वाली चाय पी लो, ग्रीन टी पी लो, स्मूदी पी लो। इस टाइम जैसे कईयों को ज्यादा भूख लग जाती है तो वो मखाने होते हैं जिनसे वो उसको रोस्ट कर लें, और वो मुरमुरे की चाट बना लें, कोई फ्रूट कट करके खा लें, काफी ऑप्शन है इस टाइम। तो इसी टाइम होता है जो हम लोग अपनी डाइटिंग तोड़ते हैं, तो आप ध्यान रखें कि इस टाइम आपको कुछ हेल्दी ऑप्शन अपनाना है और कुछ हेल्दी खा लो ताकि आपकी भूख कंट्रोल हो सके और आपकी डाइट भी मेंटेन। 99% लोग हैं वो इसी टाइम ही अपनी डाइटिंग तोड़ देते हैं, पूरा दिन डाइटिंग करते हैं और शाम होती है उनको भूख लगने लगती है तो वहां कुछ अनहेल्दी ऑर्डर करते हैं और खा लेते हैं। तो कुछ मुरमुरे बना लो, कोई चाट बना लो, कोई बेसन का चिल्ला खा लो, आपकी भूख शांत हो जाएगी और आपको रात को कम भूख लगेगी। तो बस यही है, आप इससे अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। शाम का टाइम है, पूरी किचन क्लीन हो चुकी है, अच्छा लगता है ना, पूरी किचन क्लीन हो तो रात में डिनर बनाना हो तो कुछ बहुत अच्छा लगता है। वैसे साफ सफाई में ही मन करता है काम करने का। तो ये 2 बॉटल्स हैं, इसको मैं लेके आई थी पानी वगैरह भरने के लिए। तो ये है किचन यहाँ से बाहर सारा, मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो मैं बाहर ऐसे अच्छा लगता है ना। 5:30 हो चुकी है और मैं सोच रही डिनर में क्या खाऊं, क्योंकि डिनर मैं 6 बजे तक कर लेती हूँ अपना, हार्डली 6 बजे तक कर लेती हूँ। और जो लोग थोड़ा लेट करते हैं तो प्लीज़ वो 7 बजे तक कर लें, 7 बजे के बाद मत खाएं, क्योंकि 7 बजे तक होता है ना फिर आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। मेरा टाइमिंग मैं 6 बजे तक कर लेती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, सोच रही हूँ ओट्स बना लूँ या फिर पोहा बना लूँ, तो समझ में नहीं आ रहा अभी किचन में जाती हूँ क्या बनाती हूँ इन दोनों में से। तो फाइनली मैंने ये प्याज टमाटर शिमला मिर्च कट कर लिया। वैसे पोहा मैं बिना मटर के नहीं बनाती, मटर तो है मेरे पास बट टाइम काफ़ी हो गया और मेरे को 6 बजे तक मैं डिनर कंप्लीट करना है, तो मैं मटर नहीं डाल रही, वो छीलने पड़ेंगे, तो मैं मटर रात में आराम से छील के रख लूँगी ताकि नेक्स्ट डे जरूरत पड़े तो यूज़ कर सकूँ। तो बस आज मैं मटर के बिना पोहा बना रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं ये डाल रही हूँ राई के दाने, इसमें मैं डालूंगी अनियन। मैं तो हर चीज में सब्जियां डालना बहुत ज्यादा पसंद है कि ज्यादा सब्जियां और जो चीज हम बना रहे हैं वो कम हो, तो वो टेस्ट स्वाद जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसी के साथ मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी और टमाटो डाल दूंगी। सबका अपना अपना बनाने का तरीका है, मैं सब कुछ इकट्ठा डाल देती हूँ कि साथ में सारा कुछ इकट्ठा पक जाए। काला देखो आप मेरा अच्छे से भून चुका है, अब इसमें मैं थोड़ी सी बस इतनी सी मैं मूंगफली डालूंगी। और ये पोहे को मैंने हल्का सा वॉश किया है, क्योंकि अगर आप हल्का सा वॉश करोगे ना तो वो बिल्कुल खिला खिला बनेगा, आप देख सकते हो। जैसे मैं इसमें अब मैं पोहा ऐड कर दूंगी, ठीक। अब इसको हल्के हल्के हाथों से
चलाओ आराम से। तो गैस पोहा बन चुका है, ये सबसे इजी शाम में ऑप्शन मेरे को लगा कि हाँ मेरे को पता है 10 मिनट में बन जाएगा। और आप देख सकते हो कितना खिला खिला बना है और सारी वेजिटेबल्स ही आपको नजर आएगी, बट मैं आज मिस कर रही हूँ मटर को। कोई बात नहीं, अब मैं रात में उसको छील के रख लूंगी। तो मेरा डिनर रेडी हो गया, आज मैं डिनर में खा रही हूँ पोहा, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। या तो मैं इसको ब्रेकफास्ट में लेती हूँ या फिर मैं डिनर में ले लेती हूँ, क्योंकि ये हल्का होता है और डिनर के तो काफी ऑप्शन होते हैं, आप सूप पी सकते हो। मैं सूप पीती हूँ, मैं डिनर को हमेशा बहुत ज्यादा हल्का रखती हूँ। आज मैं खा रही हूँ ये, आप देख सकते हो बाउल कितना छोटा है कि क्वांटिटी मैं बिल्कुल थोड़ी लेती हूँ। मैं खा रही हूँ पोहा, या फिर मैं खा लेती हूँ ओट्स खा लेती हूँ, या फिर मैं दूध पी लेती हूँ, कोई स्मूदी ले लेती हूँ, सूप पी लेती हूँ। ज्यादातर मैं सूप पीती हूँ रात में, बहुत लाइट डिनर करती हूँ और हमेशा अपना डिनर हमेशा बहुत ज्यादा हल्का करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा वेट लॉस जल्दी होता है। तो मैं अपना डिनर बहुत हल्का करती हूँ। आज मैं खा रही हूँ बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली है, उसमें मैंने आज ये पोहा बना के खा रही हूँ। बहुत अच्छा पोहा बनाया और इसमें मैं नमक थोड़ा कम डालती हूँ रात के खाने में, लेकिन डालती जरूर हूँ, बट होता कम है, बहुत कम होता है। तो आप देख सकते हैं आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करें, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको मेरा क्या अच्छा लग रहा है डाइट प्लान में, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।